अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मेरा सेल्फ पैम्परिंग डे है बेसिकली, और मैं आज आई हूँ सैलॉन, वैनिटी सैलॉन एंड स्पा आई हूँ। काफ़ी दिन बाद सैलॉन आने का मैंने टाइम निकाला है, एंड आई एम एट DHA बुखारी ब्रांच। ये आज गाइस मैं अपनी कुछ सेल्फ पैम्परिंग के लिए आई हूँ सैलॉन, एंड आई एम एट वैनिटी सैलॉन एंड स्पा राइट नाउ। सर्विसेज लेने के लिए आई हूँ। बालों का प्रेशर देख सकते हैं, बहुत ड्राई, बिल्कुल ही एक बिल्कुल पुराने से हो गए, और मुझे डाई लिया हुआ भी आई थिंक 6 मंथ्स हो गए। एंड इसके साथ साथ मुझे लाइक हाइड्राफेशियल भी लेना है, एंड और भी कुछ चीज़ें करवानी है। एक्रेलिक नेल्स भी करवाने का मैं सोच रही हूँ, एंड उसके साथ साथ हम हेयर केराटिन भी लेने वाले हैं। काफ़ी कुछ मिलेगा आपको इस एक वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। हाइड्रोफेशियल स्टार्ट हो चुका है, और सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग पॉलिश अप्लाई कर रहे हैं फेस पे। कितने स्टेप्स होते हैं हाइड्रोफेशियल के? हाइड्रोफेशियल के सबसे पहले हम पॉलिश करेंगे, फिर क्लिंजिंग होगी, फिर स्क्रबिंग होगी, फिर उसके बाद आपके टूल्स यूज़ किए जाएंगे आपके फेस पे। और कितने मिनट का ये प्रोसीजर होता है? ये 45 मिनट्स का 45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। मेरी स्किन बहुत अभी डिहाइड्रेटेड हो रही है, बिल्कुल भी मैं अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, तो इसलिए हाइड्रोफेशियल मुझे कराना बहुत ज़रूरी था। एक्साइटेड कि मेरी स्किन थोड़ी सी थोड़ी नहीं बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। जी ग्लो आएगा? जी बिल्कुल आएगा, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। पहले लगाएंगे टोनर, ये क्लींजर। क्या है ये? वाइटनिंग सीरम होता है। वाइटनिंग सीरम? जी ये जो कि ड्राई स्किन होती है उनके लिए यूज होता है। उसके बाद हम यूज करेंगे पाउडर जो कि आपके ब्लैकहेड्स को रिमूव करेगा। जी ब्लैकहेड्स के लिए? जी वाइट हेड ब्लैकहेड्स होते हैं उनको रिमूव करेगा। Just like a vacuum. जी वैक्यूम की तरह वो प्रेशर बन रहा है। जी क्योंकि वो स्किन के अंदर से आपके ब्लैकहेड्स को रिमूव करेगा। ये आपके डार्क स्किन को रिमूव करेगा जो कि हमारे पंप के जरिए से उखड़ी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा गर्म लग रहा होगा, हल्की सी हीट आ रही है उसमें। हमारे डार्क सर्कल ज़्यादा होंगे ये उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। यहाँ मेरे सारा टी जोन एरिया सारा डार्क है। जी ये लिफ्ट करेगा। ठीक है, जो स्किन को आपके लिफ्ट करेगा, ज़्यादा टाइट आता तो नहीं हाँ। ठीक है, हम ये यूज़ करेंगे कूलिंग जेल। ठीक है, जो आपके फेस को कूल करेगा, कूलिंग। ठीक है, ये आपके फेस को रिलैक्स कर देगा। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, कूलिंग है ना। हाँ, मज़ा आ रहा है। स्किन के अंदर जस्ट पहुंच जाए।
कैसा लग रहा है? रिलैक्सिंग। दिस वॉज लिटरली द बेस्ट पार्ट। बहुत अच्छे से आपको फेशियल के बाद मसाज मिलेगा। ये मेरा मास्क लग चुका है, बस के बाद आप क्या होगा जहाँ तक ये हुआ वहाँ तक करेंगे, ठीक है? गाइस, तो अभी मेरे बालों में ये कैरेटीन लगा हुआ है और मेरे नेल्स डन हो चुके हैं। नाम हम लो ड्राई करेंगे, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि क्या हेयर कलर आया है। चलिए, शैम्पू के बाद आपने मास्क लाजमी यूज़ करना है। अच्छा, और सीरम अप्लाई करना है क्योंकि हमारा हाईलाइट और कैरेटीन दोनों है। अच्छा सर, इसके लिए आपको लाजमी मास्क अपने बालों के लिए लाजमी रखना है और आपने सीरम यूज़ करना है। सीरम मास्क बेसिकली आवाज कैरेटीन जो होते हैं ना बेसिकली डैमेज बालों के लिए होता है। जैसे आपके डैमेज थे उसको रिपेयर कर देगा। क्योंकि मुझे ना एक्चुअली मैंने इनसे कहा कि मुझे स्ट्रेट भी चाहिए, मैनेजेबल भी हो जाए, बट मैं चाहती हूँ कि डैमेज भी ना हो, तो उसके लिए कैरेटीन बेस्ट है। रिबॉन्डिंग की तरफ मत जाया करें। रिबॉन्डिंग का बताएं। रिबॉन्डिंग हर बालों के लिए नहीं होता, जिनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बेस होता है वो उनके लिए होता है। अच्छा, जैसे इनके बालों का टेक्सचर था, इनके लिए कैरेटीन ही बेस्ट है। कैरेटीन ना जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे मेरे बाल और डैमेज भी थे थोड़े। हाँ, वो उसको रिपेयर कर रहा है। अच्छा गाइस, तो ये प्रोडक्ट्स इन्होंने मुझे दिए हैं। आफ्टर केयर शैम्पू है और ये कंडीशनर है। सीरम नहीं दिया आपने? सीरम मैं, अच्छा मैं खुद ही बाय करूँगी। जो जो इनकी ब्रांचेस हैं और इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, वहाँ पे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। आई एम टोटली सैटिस्फाइड। साथ साथ मैंने आपको सारे स्टेप्स भी बताए हैं क्या क्या हुआ, हाइड्राफेशियल, एक्रेलिक्स और कैरेटिन, कलर, सब कुछ आपने इस वीडियो में देखा है। सो आई थिंक सेल्फ पैम्परिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपना ख्याल रखा करें, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। व्हाइट ऑल्ड मैन।